दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के टॉप ऑफबीट प्लेसेस बताने वाला हूं जो कि बहुत ब्यूटीफुल हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन जगहों पे आप कैसे पहुंच सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पहली ऑफबीट डेस्टिनेशन जो आप विजिट कर सकते हो वो है धनोल्टी। ये जगह मसूरी के पास में है एंड शांति से अपनी हॉलीडेज बिताने के लिए ये एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। धनोल्टी अपनी नेचुरल ब्यूटी, हरे भरे देवदार के ट्रीज एंड यहाँ के सुहावने मौसम के लिए जाना जाता है। यहाँ आने पर आप सबसे पहले धनोल्टी के इको पार्क में जा सकते हो। यहाँ पर आपको एंट्री की टिकट भी लेनी होगी। यहाँ पर आपको देवदार के ट्रीज के साथ फॉरेस्ट का बहुत सुंदर व्यू देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस देकर एडवेंचर एक्टिविटीज भी इंजॉय कर सकते हो। धनोल्टी में आप पार्वती जी का फेमस सुरकंदा देवी टेम्पल भी विजिट कर सकते हो, जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ट्रैक करना होगा। विंटर में धनोल्टी में बर्फ होने की वजह से यहाँ की सुंदरता और ज्यादा निखर आती है। बात करूँ यहाँ पर बेस्ट टाइम की, तो आप यहाँ पर दिसंबर से जून के बीच में कभी भी आ सकते हो, क्योंकि ये टाइम परफेक्ट टाइम माना जाता है। नेक्स्ट प्लेस जो आप उत्तराखंड में विजिट कर सकते हो वो है चकराता। ये जगह उत्तराखंड की मोस्ट पीसफुल प्लेसेस में से एक है। यहाँ आपको एनवायरनमेंट एकदम क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री देखने को मिल जाता है। ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड काफी कम लोगों ने ये जगह एक्सप्लोर की है। यहाँ से आपको नेचर के बहुत अमेजिंग व्यूज देखने को मिल जाएंगे। ये प्लेस और भी चीजों के लिए फेमस है, जैसे कि स्कीइंग एंड ट्रैकिंग, एंड ये प्लेस अपने केव्स के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको स्नो से कवर्ड माउंटेन्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर और भी घूमने के अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं, जैसे गिटगर फॉल्स, बुंदेरी फॉरेस्ट, चिलमिरी टॉप एंड और भी प्लेसेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है पोरा। ये नैनीताल और अल्मोड़ा के बीच हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गाँव है। यहाँ की ब्यूटी और सनराइज का व्यू बहुत ही अमेजिंग होता है। पोरा को बाउल ऑफ फ्रूट्स भी बोला जाता है। इस जगह पर आपको बड़े बड़े एप्पल के गार्डन्स देखने को मिल जाएंगे एंड आपको देवदार का फल और ओक के पेड़ों से घिरा हुआ ये प्लेस किसी जन्नत से कम नहीं लगेगा। इस जगह पर आप फोटोग्राफी, बर्ड वॉचिंग, जंगल ट्रेल्स का भी मजा उठा सकते हैं। पोरा मुक्तेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ अल्मोड़ा के नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है बिनसार। अगर आपको नेचर के साथ लगाव है और पहाड़ों में शांति और एडवेंचर भी चाहिए, तो आप अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के सबसे फेमस और खूबसूरत हिल स्टेशन पर आ सकते हो। देवदार ट्री से घिरा हुआ ये बिनसार शहर बहुत ही कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। बिनसार शहर अल्मोड़ा से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक ऐसा प्लेस भी है जहाँ पर आपको हिमालय की प्रमुख चोटियाँ जैसे कि केदारनाथ, नंदा देवी, पंचोली एंड और भी कई पहाड़ देखने को मिल जाते हैं। बिनसार में घूमने के लिए सबसे रोमांचक प्लेस है जीरो पॉइंट। यहाँ के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो वो है काठगोदाम और नियरेस्ट एयरपोर्ट है पंतनगर में। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है खिरसू, जो कि हिमालयन की गोद में बसा हुआ एक अनोखा गांव है। ये जगह भी शहर की गर्मी से दूर और कम भीड़ वाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये गांव हरे भरे देवदार के पेड़, ओक और एप्पल के मीठे बागों से घिरा हुआ है, जो कि इसे बहुत शांत और बहुत मन को रिलैक्स करने वाला अच्छा स्पॉट बनाता है। अगर आप एक बैकपैकर या सोलो ट्रैवलर हो तो ये जगह आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है और इन लोगों का रहना सहना इतना सिंपल है कि आप यहाँ पर आने के बाद एकदम मंत्रमुग्ध हो जाओगे। यहाँ आने के बाद आप घड़ियाल देवी मंदिर, कंदोलिया देवी टेम्पल जैसे प्लेसेस देख सकते हो। बात करें यहाँ के नियरेस्ट एयरपोर्ट की तो वो है देहरादून में, और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश में। नेक्स्ट ऑफबीट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है मुनस्यारी। ये प्लेस भारत नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बना हुआ डिस्ट्रिक्ट है, जो कि चारों साइड से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसे उत्तराखंड के छोटे कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। मुनस्यारी से वर्ल्ड फेमस पंचचोटी पर्वत भी दिखाई देता है। ये बड़े पहाड़ों के साथ साथ हरे भरे जंगल से भी कवर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो कालामुनि मंदिर, नंदा देवी मंदिर, महेश्वरी कुंड, थमरी कुंड, गौरी गंगा नदी जैसे बहुत प्लेसेस आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ से भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर में। इसके बाद नेक्स्ट ऑफबीट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है धारचूला। ये प्लेस पितौड़ा से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ ये हिल स्टेशन ग्लेशियर से भी कवर्ड है, जिसकी वजह से ये प्लेस टूरिस्ट को अपनी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करता है। बोला जाता है कि पहले के टाइम में धारचूला बिजनेस हब भी हुआ करता था। ये जगह बर्फ की ऊंची चोटियों, घाटियों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी शांत वातावरण होता है। धारचूला कैलाश मानसरोवर और छोटा कैलाश के मार्ग में स्थित है। ट्रैकर्स के लिए भी ये जगह बहुत फेमस है। इसके नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करूँ तो वो है पंतनगर में, जो कि 317 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है भीमताल। भीमताल उत्तराखंड के काठगोदाम और नैनीताल के बीच में स्थित एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है। ये प्लेस दिल्ली से 7 से 8 घंटे की ड्राइव पर है। भीमताल एक छोटा सा झीलों का शहर है, और बात करूँ नैनीताल के कंपैरिजन में तो यहाँ पर क्राउड
बहुत कम होता है। यहाँ पर देखने के लिए काफी सारे प्लेसेस हैं, जैसे कि विक्टोरिया डैम, भीमताल द्वीप, मुक्तेश्वर, हिडिम्बा पर्वत एंड और भी काफी सारी जगह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। भीमताल आने के लिए आप काठगोदाम के लिए ट्रेन ले सकते हो एंड वहाँ से आगे 30 किलोमीटर तक आप कैब या बस से कवर कर सकते हो। तो ये थी हमारी उत्तराखंड की टॉप ऑफबीट प्लेसेस जहाँ आपको जरूर विजिट करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ऐसी ही काफी सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।